गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में विविध प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। देखिए, इस चैप्टर के कुछ मुख्य सवाल है, उसी को केवल हल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें पहला नंबर सवाल हमने लिया है, काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बट्टा में 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। क्या करें, का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अवकलज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो फलन दिया है उसको जो है हम वाई के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। वाई बराबर जितना दिया है उसको लिख लेंगे पहले, काट इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इन प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और पूरे के बटा में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है आप लोग को फार्मूला कौन से लगेगा, वाई बराबर काट इनवर्स। ध्यान से देखिए, 1 को जो है हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स बाई दो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई दो। तो यहाँ पर लिख लेंगे कास स्क्वायर एक्स बाई दो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई दो। और देखिए, साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई दो और कास एक्स बाई दो, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा लेंगे। पुनः उसी प्रकार 1 को लिख लेंगे कास स्क्वायर एक्स बाई दो इन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा दो प्लस, देखिए माइनस है तो माइनस कर लेंगे। देखिए, साइन एक्स का फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स बटा दो कास एक्स बाई दो और पूरे के बटा में जितना है सबको उसी प्रकार प्रसार करके लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 को कास स्क्वायर एक्स बाई दो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा दो इन प्लस 2 साइन एक्स बाई दो और कास एक्स बाई दो, ठीक है। फिर माइनस चिन्ह है यहाँ पर तो माइनस चिन्ह लगा लीजिएगा, कास एक्स बाई दो प्लस एक को क्या लिख लेंगे, कास स्क्वायर एक्स बाई दो फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा दो और माइनस चिन्ह है तो माइनस साइन एक्स का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई दो कास एक्स बाई दो। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है ध्यान से देखिए। जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है और अंडर रूट है तो केवल जो है हम ए प्लस बी लिख देंगे, मतलब इसका मान हो जाएगा कास एक्स बाई दो और प्लस साइन एक्स बाई दो, ठीक है। फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी है तो मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, अंडर रूट है तो अंडर रूट हटा देंगे तो केवल ए माइनस बी, तो कास एक्स बाई दो माइनस साइन एक्स बटा दो और बटा में क्या है, देखिए कास स्क्वायर एक्स बाई दो साइन स्क्वायर एक्स बाई दो टू साइन एक्स बाई दो, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो केवल ए प्लस बी लिख लेंगे, कास एक्स बाई दो और प्लस साइन एक्स बाई दो। फिर माइनस चिन्ह लगा लेंगे, कास एक्स बाई दो और ये माइनस साइन एक्स बाई दो हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह से गुणा करना है तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस, तो माइनस कास एक्स बटा दो और प्लस साइन एक्स बटा दो। इधर से कोष्टक बंद कर लेंगे तो वाई बराबर काट इनवर्स। अब देखिए, ये प्लस माइनस और नीचे ये प्लस माइनस कट गए, टू कास एक्स बाई दो कास एक्स बाई दो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, टू कास एक्स बाई दो और बटा में नीचे जोड़ लेंगे। अब इससे इससे जो है ये कट जाएगा तो कास बटा में साइन क्या हो गया, काट वाई बराबर काट इनवर्स काट एक्स बटा दो,
तो जब वाई बराबर काट इनवर्स काट मिल गया तो इसको ये तो हट जाएगा, केवल क्या हो जाएगा एक्स बटा दो। अब इसका अवकलन कर लेना है, लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए वाई का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसको लिखेंगे डी वाई अपान डी एफ। देखिए एक बटा दो बाहर निकाल लेंगे इसमें से और एक्स का निकालेंगे तो लिख लेंगे डी अपान डी एक्स इंटू एक्स। अब एक्स का निकालेंगे तो क्या होगा, एक और एक में एक बटा दो का गुणा कर लेंगे तो एक बटा दो, यही आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। आइए इसमें जो है एक और सवाल लेकर हल करते हैं। देखिए यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले y बराबर जो दिया है उसको लिख लेंगे प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको जो है हम कास इनवर्स एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, मतलब कास इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में फार्मूला होता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इतने के जगह पर हम लिख सकते हैं कास इनवर्स एक्स। साइड में फार्मूला लिख ले रहे हैं आपको, कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगले स्टेप समझिए। देखिए साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स जहाँ भी मिल जाएगा योगफल के रूप में रहेगा तो इसका मान क्या होता है पाई बाई दो। अब इसका जो है अवकलन कर लीजिए एक्स के सापेक्ष। तो देखिए डी वाई अपान डी एक्स इस साइड हो गया और डी अपान डी एक्स पाई बाई दो। अब ध्यान समझिए यहाँ पर पाई बाई दो जो है संख्या के रूप में है तो किसी भी संख्या का जब अवकलन किया जाता है तो उसका मान क्या होता है शून्य, यही क्या हो गया आंसर। इसको नोट कीजिए। आइए तीसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। ध्यान से देखिए यदि माइनस एक लेस देन एक्स और एक्स लेस देन वन, इसका मतलब है कि एक्स का मान जो है माइनस एक से बड़ा है और एक से क्या है छोटा, के लिए एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स बराबर जीरो है तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर ऋण एक बटा में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हल करके वाई का मान निकालेंगे और उसका जो है अवकलन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई फिर प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स बराबर क्या है जीरो। ठीक है, इसको जो है इस साइड पर स्थानांतर कर लीजिए तो वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स बराबर, इधर देखिए प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग करने पर। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, इसका भी और इस साइड का भी, तो देखिए वाई का वर्ग क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और देखिए अंडर रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा केवल वन प्लस एक्स। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। इन बराबर देखिए माइनस है तो माइनस इन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस, अब एक्स का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा केवल वन प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें गुणा कर लीजिए तो वाई स्क्वायर फिर माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर, इसमें गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर जीरो, लिख सकते हैं।
अब ध्यान से देखिए, ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। अब ध्यान देखिए, इन दोनों में जो है वाई एक्स कॉमन मिल रहा है, तो वाई एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पर वाई बचा और यहाँ पर माइनस करके केवल एक्स बराबर जो है जीरो। अब ध्यान से देखिए, दोनों में जो है वाई माइनस एक्स कॉमन मिल गया, तो वाई माइनस एक्स कॉमन के रूप में ले लेंगे, तो क्या बच रहा है आपका वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, बराबर जीरो। अब देखिए वाई माइनस एक्स को भाग कर लेंगे तो केवल ये बचेगा, और इस साइड जीरो में भाग कर लेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से y प्लस एक्स और प्लस वाई एक्स बराबर क्या हो गया जीरो। अब इसको इस साइड पछांतर कर लेंगे, y प्लस वाई एक्स बराबर, देखिए इधर प्लस एक्स है, भेजेंगे इस साइड क्या हो गया माइनस एक्स, यहाँ पर y कॉमन मिल रहा है आपका, तो वन प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स बटा में वन प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ जो है आपको y का मान प्राप्त हो गया, हमको क्या करना है dy वाई अपान डी एक्स निकालना है, तो इसको लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे, ध्यान से समझिए, ये जो है अंश बटा हर ऊपर नीचे के रूप में मिल गया, तो सूत्र क्या होगा हर गुड़े अंश का अवकलन माइनस अंश गुड़े हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर। तो इधर करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो हो गया। अब देखिए इसका सूत्र होता है हर गुड़े अंश का अवकलन, तो हर का मान क्या है वन प्लस एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स, अंश का मान क्या है माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस एक्स कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर चिन्ह माइनस दे देंगे, फिर अंश, अंश का मान क्या है माइनस एक्स, फिर पुनः डी अपान डी एक्स, हर हर का मान क्या दिया है वन प्लस एक्स, और बटा में हर का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो वन प्लस एक्स का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ध्यान से देखिए वन प्लस एक्स माइनस एक्स का अवकलन करना है, तो माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक, और देखिए माइनस माइनस गुणा कर लेंगे तो प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए वन प्लस एक्स का निकालना है, तो वन का क्या हो जाएगा जीरो, और एक्स का अवकलन एक होता है, बटा में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें गुणा कर लीजिए। देखिए वन प्लस एक्स में माइनस एक से गुणा करना है, कितना हो जाएगा माइनस एक और माइनस एक्स, इसमें गुणा कर लेंगे, एक्स में जीरो का गुणा करेंगे जीरो, और एक्स में एक का गुणा कर लेंगे तो एक्स, बटा में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा माइनस एक बटा में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही लाना है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बराबर माइनस एक बटा में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही क्या हो गया प्रूव्ड, इसको नोट कर लीजिए। आइए एक और इस चैप्टर के सवाल को लगाते हैं। यदि cos y बराबर x cos a प्लस y तथा cos a नॉट इक्वल प्लस माइनस एक, मतलब cos a का मान जो है एक नहीं रखना है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y बटा में sin a। देखिए cos स्क्वायर a प्लस y लाना है हमको कैसे भी करके, तो क्या कर लेंगे जैसे कि cos y dy अपॉन dx लाना है हमको बराबर cos स्क्वायर a प्लस y बटा में sin a। हमको ये दिया है cos y, देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ जो है हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा cos y बटा में cos a प्लस y लिख सकते हैं।
अब देखिए x का मान जो है y के रूप में फलन हो गया, तो हम जो है जब अवकलन करेंगे तो इसका डी एक्स अपान डी वाई निकालेंगे, बाद में इसको जो है उल्टा कर देंगे तो डी वाई अपान डी एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान से देखिए, तो ये जो है डी एक्स अपान क्या हो गया डी वाई बराबर, यहाँ देखिए अंश बटा हर के रूप में हो जा रहा है, ऊपर और नीचे मतलब अंश बटा हर, तो इसके लिए सूत्र है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर। तो हर का मान क्या दिया है कास ए प्लस वाई इन डी अपान डी एक्स, अंश अंश का मान क्या दिया है कास वाई। ठीक है, फिर माइनस कास वाई अंश गुणे हर का अवकलन, हर का मान कास, देखिए यहाँ पर वाई के सापेक्ष लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो है डी अपान डी वाई लिखना है, कास ए प्लस वाई और बटा में होल स्क्वायर करना है तो ये कास स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स अपान डी वाई बराबर हो गया कास ए प्लस वाई इन इंटू, देखिए कास वाई है तो कास वाई के लिए फार्मूला होता है माइनस साइन वाई, फिर माइनस ये भी कास वाई और कास ए प्लस वाई है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, देखिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे कास वाई, कास वाई के लिए सूत्र होता है माइनस साइन ए प्लस वाई। ठीक है, और बटा में कास स्क्वायर ए प्लस वाई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है डी एक्स अपान डी वाई बराबर क्या हो गया, देखिए प्लस माइनस गुणा कर लेंगे तो माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, यहाँ माइनस माइनस गुणा करेंगे कौन सा चिन्ह हो जाएगा प्लस कास वाई और साइन ए प्लस वाई और बटा में कास स्क्वायर ए प्लस वाई लिख सकते हैं। इसके बाद इस साइड आ जाइए आप लोग, देखिए डी एक्स अपान डी वाई बराबर, ध्यान देखिए ये इधर माइनस है यहाँ पर क्या है प्लस, तो इसको लेके हम चलेंगे पहले, ध्यान देखिए इसको साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये जो है साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जा रहा है, ध्यान से देखिए साइन ए कास बी फिर माइनस कास ए साइन बी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन ए प्लस वाई, ए के स्थान पर ए प्लस वाई फिर माइनस वाई, बी के मान क्या है यहाँ पर जैसे इसको ए मान लिए ये जो है बी, तो ए का मान ए प्लस वाई और वाई वाला क्या हो गया बी, तो ए माइनस वाई का सूत्र बन रहा है ए माइनस बी का, तो ए प्लस वाई माइनस वाई और बटा में कास स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स अपान डी वाई बराबर, देखिए ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया तो क्या बचा साइन ए बटा में कास स्क्वायर ए प्लस वाई, हमको तो क्या मान निकालना है डी वाई अपान डी एक्स, हमने क्या निकाला है डी एक्स अपान डी वाई, तो इसको क्या कर लेंगे केवल उल्टा कर लेंगे, उलटने पर लिख लेंगे या पलटने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, देखिए डी एक्स अपान डी वाई है, डी वाई अपान डी एक्स उल्टा कर रहे हैं तो इस साइड भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब कास स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, कास स्क्वायर ए प्लस वाई और बटा में साइन ए, यही क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर के जो मुख्य सवाल थे हमने हल कर दिया है। ठीक है, कल आप लोग को जो है मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा।